हेलो दोस्तों, मैं राहुल आपका स्वागत करता हूँ। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे दिया है लाल कलर का बटन सब्सक्राइब का, उसको दबाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे मेरे और मेरे चैनल को। तो मैं आपको एक अच्छी सी न्यूज़ सुना रहा हूँ जो है टाटा की तरफ से। टाटा की नेक्सॉन गाड़ी जो है नेक्सॉन टाटा नेक्सॉन, उसको मिल चुके हैं 5 में से 4 स्टार। कहाँ से? सेफ्टी के लिए मिले उसको 4 स्टार, वो मिले हैं ग्लोबल NCAP की तरफ से। ग्लोबली क्रैश टेस्ट करती है कि आपकी गाड़ी कितनी स्ट्रांग है, और टाटा ने वहां अपना झंडा गाड़ दिया है, उसको मिल चुके हैं 4 स्टार 5 में से। तो ये जो टेस्ट होता है वो होता है 64 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कार को दौड़ाया जाता है, और एक ऑप्टिकल के ऊपर जोर से हिट किया जाता है जिससे उसका क्रैश टेस्ट की रेटिंग उसको दी जाती है। और उसके अंदर जो पर्सन बैठे रहते हैं, एक डमीज बैठी रहती है उसमें, 2 सामने और 3 पीछे की तरफ बैठी रहती है, और उनको देखा जाता है कि उन्हें कितना डैमेज हुआ है, एयरबैग सही टाइम पे खुले हैं कि नहीं खुले, इंजन किस तरीके से डैमेज हुआ, इस सबको लगभग टोटल करते हुए उसे रेटिंग दी जाती है। और इस रेटिंग में टाटा नेक्सॉन बनी है इंडिया की दूसरे नंबर की कार जिसे मिले हैं 4 रेटिंग। तो ये है उसका वीडियो, तो आप वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो देखते हैं साथ में मिलकर। तो चलिए, जो ये रेटिंग दी जाती है पूरी टोटल ओवरऑल देखा जाता है कि कार में कितना डैमेज है और किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है उसके एयर बैग ने, और किस स्पीड पे थी। जैसे कि ये स्पीड थी 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी। तो देखिए, जैसे अंदर देख सकते हैं आप लोग कि एयर बैग सही टाइम पे खुल गए हैं, जितने पर्सन जितने डमी बैठे थे उन्हें ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है इस क्रैश टेस्ट में। तो ये तो टाटा के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि इस क्रैश टेस्ट में टाटा दूसरे नंबर पे है और वो लगातार अपना एक एक कदम आगे बढ़ाता जा रहा है इसमें। और हम बोल सकते हैं कि ये एक इंडियन कार मेकिंग कंपनी, जो इंडिया की कंपनी है, उसने इस टेस्ट में हासिल किए हैं 4 स्टार। तो ये एक अच्छी खबर है। तो देखते हैं टाटा आगे किस तरीके से परफॉर्म करेगा और क्या क्या लाएगा नई नई चीज़ें। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, बाय।